बहुत जल्दी मैं मीटअप रखने वाला हूँ। हम लोग मिलके बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, वो बिल्डिंग दिख रही है ना, उससे भी ऊंचा जाना है। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज हम लोग जा रहे हैं राइड पर, क्योंकि संडे है, संडे मॉर्निंग राइड हो रही है। मयंक भाई यार पत्थर उड़ा रहे थे। आज मैं बता दूं कौन कौन राइड कर रहा है हमारे साथ। मयंक भाई मासा उनबूसा हायाबूसा पे, फैज भाई के पास 10R है, और अतीक भाई 47 नेशन ब्लॉक्स अपनी Z900, इसका नाम है शॉर्ट गन। इसका नामकरण मैंने किया था। अरे अरे क्या बात है, अभी राइड स्टार्ट नहीं हुई और रीलियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हम लोग जा रहे हैं राइडर्स पैराडाइज कैफे। अब आप लोग सोच रहे हो कि फिर से वही? हाँ जी, क्योंकि आज कुछ स्पेशल होने वाला है। अब वो स्पेशल क्या है आप लोगों को पता लग जाएगा। तो हमें इनवाइट आया है रोशनी मिसबा की तरफ से, आप सभी लोग जानते होंगे उनको, काफ़ी फेमस है हिजाबी बाइकर के नाम से और हमारी काफ़ी पुरानी दोस्त भी हैं। तो आज वो एक सुपर बाइक अनवील करने वाली हैं। उन्होंने एक और बाइक ली है माशाल्लाह, एक तो उनका घर भी काफ़ी है, काफ़ी सारी सुपर बाइक्स हैं, आज उन्होंने एक और ली है, तो उसकी अनवीलिंग होंगी राइडर्स पैराडाइज कैफे पर। वाह यार क्या साउंड है। अब देखो व्हील उठने वाली है, बाकी बात मैं व्हीली के बाद बताऊंगा। भाई साहब क्या व्हीली मारी है फैज भाई ने, ऐसा लग रहा था ये रोड ही खत्म कर देंगे। मुझे बाइक नीचे रखनी पड़ी क्योंकि मेरी बाइक टेढ़ी जा रही थी। अगेन टायर इशू, पता नहीं क्या ही हो गया इसके अंदर। ये देखो मयंक भाई ने पहन रखा है पिस्ता GP RR, 1.5 लाख रुपए का हेलमेट, सेक्सी है भाई हेलमेट। लो मैंने अभी पिस्ता GP RR बोला, एक और आ गया, एक और 1.5 लाख रुपए का हेलमेट। ये देखो कार्बन फाइबर, सेक्सी यार, ये मेरा ड्रीम हेलमेट है, इसे लूंगा एक दिन इंशाल्लाह। भाई गुड़गांव का हाईवे स्टार्ट हो चुका है NH8। जो आपने मेरा रिसेंट ब्लॉग देखा होगा इसमें बहुत सारी व्हीलीज पड़ रही थी, वो इसी हाईवे का है। और अब बहुत जल्दी मैं मीटअप रखने वाला हूँ, आप सभी को आना है, जैसे मर्जी आना। अगर आप राइड करके नहीं आ सकते तो कैब से आ जाइए, कार से आ जाइए, बट आना ज़रूर है। और जो लोग नहीं आ सकते, दूर रहते हैं, वो आप मुझे बस ऐसे ही YouTube पर सपोर्ट करते रहिए, मेरे लिए उतना काफ़ी है। अभी 10R होती है ना यहाँ पे, और जो ट्रैफिक दिख रहा है इतना बहुत है, सांप बना देते एकदम ऐसे 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 ऐसे। क्या व्हीली उठने वाली है क्या? काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, भाई आप जब चलाते हो ऐसा लगता है ट्रैफिक राइडर वाला गेम खेलते हैं। पता है जब मैं अपनी वीडियो एडिट करता हूँ ना, मैं भी शौक हो जाता हूँ, अरे भाई मैं ऐसे चला रहा था, थोड़ी सी एनर्जी लो है क्योंकि रात भर लोग पार्टी कर रहे थे। वाह भाई वाह, मजा आ गया। कितनी नींद आ रही हो, एक तो व्हीली मार दो सारी नींद गायब हो जाती है, शील बन के एकदम उड़ जाती है।
ये अगर मयंक हटे तो ये व्हीली उठाएंगे फैज भाई, हमें पता है ना, क्योंकि हम जब भी व्हीली उठाते हैं हम आगे तक का देखते हैं कि रोड खाली हो, ये इसलिए स्लो चल रहा है। तालियां भाई। मुझे पता है आप लोग इस टाइम मैक्स की व्हीलीज मिक्स कर रहे होंगे, भाई मैं भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, बट कुछ चंद दिनों की बात और है, उसके बाद तो एकदम आग लगा देंगे। ऐसा लगता है कभी कभी ना सारी फ्रस्ट्रेशन मेरी बाइक पे निकलती है। अब एक बहुत ही शानदार व्हीली देखने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। क्या बात है फैज भाई, के लिए कमेंट्स में तालियां हो जाएं। तो भाई हम लोग भी जल्दी मीटअप रखने वाले हैं अपना, आप सभी को आना है। वो देखो, रख दो रख दो। अरे भाई क्या बात है, अतीक भाई से भी बोलते हैं। अतीक भाई उठा दो, क्या बात है। और मैं आप लोगों को एक बार और फिर से बहुत ही बड़ा तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बस ये प्यार ऐसे ही बरकरार रखो। हम लोग मिलके बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, वो बिल्डिंग दिख रही है ना, उससे भी ऊंचा जाना है इंशाल्लाह। भाई क्या व्हीली थी, सुपर डुपर अमेजिंग। मुझे लगा हमें रोक रहे हैं भाई पुलिस वालों को देख के, मैं बताया क्या करता हूँ, काफी लोग पूछते हैं कि पुलिस वाले कुछ कहते नहीं, पहली चीज क्या बात है। आज तो पूरे ब्लॉग में मैंने व्हीली नहीं मारी भाई, यार कोई और साथ में हो ना और बढ़िया मारो तो बड़ा मजा आता है देखकर। काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको पुलिस वाले कुछ कहते नहीं रोकते नहीं, तो जब भी पुलिस वाले दिखते हैं ना मैं बाइक को थर्ड फोर्थ गियर में डाल देता हूँ और क्लच दबा लेता हूँ, चेक पोस्ट लगे तो बहुत आराम से बिना थ्रॉटल दिए क्लच छोड़ के ऐसे चलाता हूँ, तो ऐसे काफी बार बचाऊ। भाई GFR पहुंच गए हम लोग, एक बहुत ही बेहतरीन व्हीली आने वाली है। साथ में, अच्छा साथ में आएगी। कमेंट करके बताना आप लोगों को व्हीली कैसी लगी। मुझे लगता है हम लोग जल्दी आ गए, तो मिसबा का वेट करेंगे, वो आएंगी अपनी बाइक की अनवीलिंग करेंगी, फिर दिखाएंगे आप लोगों को कौन सी बाइक है। तो भाई लोग राइडर्स पहुंच गए उछल कूद करते हुए, अब वेट करते हैं मिसबा का, फिर बाइक दिखाएंगे आप लोगों को। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए राइडर्स पैराडाइज कैफे, पीछे आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ है। आप ही फैस में क्या लगता, कौन सी स्प्लेंडर या पैशन? इससे पहले मैंने H2 ली थी, तो वो भी कभी नहीं सोचा था ड्रीम में कि मैं वो बाइक लूंगी। अभी वाली उससे महंगी है। तो इसका तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कभी कि ये बाइक आज जहाँ मेरी मेरी मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया, तो रिएक्शन ना बहुत अच्छा नहीं आया, वो लोग खुश नहीं थे।
तरक्की देख के ना लोग खुश नहीं होते। मिसबा कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या सोचा आपने? मतलब क्या सोच के बाइक लिए? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा थोड़ा सा बाइक के बारे में बताइए, इंडिया में कितनी है, क्या प्राइस है, कितने बी एच पी है? ओके, सेवेंटी थ्री लैक्स खुशी हो रही है आपके लिए। मैंने आपको सी बी आर 250 से वी फोर आर तक का सफर करते हुए देखा है। मैंने मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, एस टू बी और बाइक देखी, इंडियन चलाती थी। लेकिन यार एक चीज है, मोटरसाइकिल की हिस्ट्री में इससे खूबसूरत बाइक नहीं बनी आज तक। एग्री करते हो? हाँ, ये क्या है? ये डोबी का सिग्नेचर है। जिनको डोबी नहीं पता वो मोटो जीपी का राइडर है, उसने इस पे साइन किया है। फैज भाई थोड़ा सा व्लॉग बनना, थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज। आप इतना लंबे ऊपर टकरा जाओ। माय गॉड, माशाल्लाह। अब हम आप लोगों को इसकी आवाज सुनाते हैं। 7.5 लाख रुपए एग्जॉस्ट कैसा साउंड कर रहा है? 8.5, सॉरी 8.5, गुस्सा मत होइए। यार ये क्या बात है। चलो जी, बिस्मिल्लाह। वो सब तो ठीक है, ये बताइए आप इसको चलाओगी या ये भी ऐसे सजाने के लिए है? चलाती तो कोई बाइक नहीं, सजाने नहीं, आप राइड का करते हो? दिखा के राइड नहीं करती। रात में कभी भी लेके निकल जाती, अप्पा को थोड़ी बताना होता है कि मैं चुपचाप जाती हूं। चुपचाप जाती हूं, चुपचाप। ओहो, कहां से आए भाई ये? यहां से 25 किलोमीटर। कितनी एज है आपकी? मेरी 16 14। आपकी 11 और आपकी 14। भाई देखो मोहब्बत। सारे लोग देखते हो? हाँ, सारे भी बिल्ली आओ या बिल्ली आपकी बिल्ली के पास हटियो, सीधा हटियो। आई होप आप लोगों को 70 लाख रुपए की बाइक पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताना बाइक कैसी लगी। भाई पर्सनली मुझे इससे खूबसूरत बाइक कोई लगी नहीं आज तक, जब से V4 आई है मार्केट में इससे खूबसूरत बाइक बनी है। मैंने अपने पहले भी ब्लॉग्स में बोला है। और ये बाइकों पे हम लोग उछल कूद करते हुए आए। फैज भाई के 10R, ये हमारे 47 नेशन ब्लॉग्स की अटीक बाइक की 900, और ये हमारी इसका हमने खिलौना बना रखा है। तो मुझे कमेंट्स करके बताना आप लोगों को बाइक कैसे लगी, V4 और आज का ब्लॉग कैसा लगा। और एक बार सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना रोशनी मैम को, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते फॉलो करना, बहुत अमेजिंग रील्स देखने को मिलेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।